केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें हैं। इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए आरसीपी सिंह ने अब चुप्पी तोड़ी है। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाला है। खबरें हैं कि नीतीश कुमार उन्हें पार्टी से दोबारा राज्यसभा उम्मीदवार बनाने को लेकर अनिच्छुक हैं। राज्यसभा चुनाव नीतीश कुमार से संबंधों में खटास पर सवाल के जवाब में कहा कि आप पत्रकारों सहित सभी के साथ मेरे अच्छा संबंध हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारे और नीतीश बाबू में कोई दूरी नहीं। राज्यसभा का नामांकन 24 से 31 तक है। सिंह ने कहा कि बिना आग के भी लोग धुआं निकालते रहते हैं। सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी से मेरी नज़दीकी आज की नहीं है। वह आगे बोले कि मैं नीतीश बाबू के साथ 1998 से हूँ, तब वो केंद्र मंत्री थे, तब किसकी सरकार थी? उसके बाद हम बिहार में उनके साथ रहे, तब किसकी सरकार रही? तो क्या आज से हम लोग साथ में हैं, बरसों से साथ हम हैं, तो पहले बीजेपी ने से नज़दीकी नहीं दिख रही थी तो आज दिख रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की सीट बिहार से राज्यसभा की उन 5 सीटों में शामिल है जहाँ चुनाव होने हैं। एक साल पहले नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा में लगातार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। राजनीति में आने के लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता संभालने के बाद आरसीपी लंबे वक्त तक उनके प्रधान सचिव रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।